हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइवेट मेथड इन इंटरफेस। ठीक है, तो जावा इंटरफेस के अंदर जो प्राइवेट मेथड यूज होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटरफेस होता क्या है, और जो इसके अंदर जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज करना, वी हैव डन राइट विथ प्रैक्टिकल। अगर जहां आपका छूट गया था, आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख। चलो बात करते हैं प्राइवेट। ये जो आपका प्राइवेट मेथड है इंटरफेस के अंदर, ये मेथड बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 9 में, जेडीके के 9 वर्जन में। इससे पहले नहीं था। ठीक है, यही चीजें मैंने लिखा। ऑल मेथड्स डिक्लेयर इन एन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो भी मेथड हम लोग उस इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो मेथड आपका क्या होता है, इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। नहीं भी आप कीवर्ड पब्लिक लगाओगे एंड एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे तो पर भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रहता है वो मेथड। ठीक है, बिफोर जावा 9, देखो इससे पहले। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंटरफेसेस कुड नॉट कंटेन द प्राइवेट मेथड। मतलब जावा 9 इससे पहले प्राइवेट मेथड नहीं होता था। ठीक है ना, फ्रॉम द जावा 9 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट मेथड मेथड्स इन इंटरफेसेस। ठीक है, द पर्पस ऑफ प्राइवेट मेथड इज जस्ट टू शेयर सम टास्क बिटवीन द नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ द इंटरफेस। क्लियर? कुछ ही टास्क शेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्लीटली शेयर नहीं करना है तो। ठीक है, तो सम टास्क शेयर करने के लिए बेसिकली प्राइवेट मेथड मेथड यूज होता है बेसिक इंटरफेस में। ठीक है, अब प्राइवेट मेथड अगर जहाँ डिटेल्स में देखना है कि क्या होता है, हमने इस पे वीडियो भी बना रखा, प्रीवियस वीडियो एक बार देख। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, तो मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास है क्लास, तो आप लोग न्यू क्रिएट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास ने फाइल, एंड देन इंटरफेस, इंटरफेस का नेम दे देता हूं मैं माय इंटरफेस, कुछ भी दे दो इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे देखो, अब इसको इंटरफेस होता क्या, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, और देखो मैं थोड़ा सा अभी भी आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये कैलकुलेटर है, तो एक क्लाइंट है, कोई भी क्लाइंट, उसने मुझे रिक्वायरमेंट दिया कि आप मुझे कैलकुलेटर बना के दो। कैलकुलेटर जैसे कि कोई भी नंबर इंटर करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन भी ले लेना आप लोग, थोड़ा मैं यहाँ साइन नहीं ले पा रहा हूँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना थोड़ा। अब ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट दिया, तो ये प्रोग्रामर क्या करेगा, पहले इस जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उसको उसने समझा क्या चाहता है क्लाइंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम बना के दे दिया। ये सोर्स कोड नहीं दे रहा, ये दे रहा है आपका यूआई। यूआई मतलब सिर्फ इंटरफेस आप यूज कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसने प्रोग्रामिंग किया और उसको यूआई एक दे दिया कि आप इस तरीके ये यूज कर सकते हो। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था मुझे यूज करना है कैलकुलेटर। अब बैक एंड कोडिंग थोड़ी है कि कोडिंग करना है, तो बैक एंड कोडिंग जो है प्रोग्रामर ने कोडिंग किया और इसको एक यूआई डिजाइन करके दे दिया। ठीक है, तो एज ए जो यूजर है, क्लाइंट है, वो इसकी यूज कर सकता है। ये जो बेसिकली बना है ना, इसको इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्लियर है पॉइंट? इसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड है, गॉट इट? जैसे आपके यहाँ पे जो आप सिस्टम में आपके कैलकुलेटर, आप इसको ओपन करोगे, ये देखो ये कैलकुलेटर है। एज ए यूजर, एज ए क्लाइंट हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये इसकी कोडिंग वोडिंग प्रोग्रामर ने कर रखा है और मुझे यूआई डिजाइन करके दे दिया, एक इंटरफेस डिजाइन करके दे दिया कि आप इस पे आप जो भी कैलकुलेशंस करना चाहते हो आपका यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंटरफेस का एग्जांपल है। आई होप क्लियर है इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, इंटरफेस ऐसे भी बोलते हैं, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। ठीक है, डन? या इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो जो जावा 8 के फीचर्स में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, रिटर्न टाइप, एंड देन हमने यहाँ पे मेथड का नेम दे दिया डेटा, कुछ भी दे दिया। ठीक है, डेटा, एंड देन यहाँ पे इसका बॉडी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि
इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का हम लोग बॉडी नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट मेथड का कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट मेथड, ठीक है, ये डिफॉल्ट मेथड। अब इसके अंदर भी एक मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे प्राइवेट मेथड, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट वॉइड, और इसका नेम दे दिया मैंने प्राइवेट मेथड, प्राइवेट मेथड, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे मैसेज कुछ प्रिंट करा देता हूँ, इसका बॉडी दे देता हूँ, ठीक है, बॉडी हमने दे दिया ये प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट में, क्लियर है। अब इस मेथड को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर कॉल कर देते हैं, तो मेथड का नेम है प्राइवेट, चलिए प्राइवेट यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। अब ये सारा क्लोज हो गया हमारा, सारा प्रोग्राम क्लोज, और इसको मुझे यूज करना है एक क्लास के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो मैंने क्लास बना लिया, एक क्लास का नेम दिया मैंने माई क्लास, कुछ भी दे सकते हो। और इसके अंदर हमने मेन मेथड क्रिएट किया, मेन मेथड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे माई क्लास का, लेकिन माई क्लास के अंदर आपको इस इंटरफेस को यूज भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना इम्प्लीमेंट्स। जब क्लास के अंदर इंटरफेस को यूज करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, इंटरफेस की मेथड्स को जब यूज करना है, यही चीजें अगर जब इंटरफेस का मेथड दूसरे इंटरफेस में मुझे यूज करना है, दूसरे इंटरफेस के अंदर मुझे इसको एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, ठीक है ना, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है। लेकिन एक क्लास के अंदर इंटरफेस की चीजें यूज करना है तो इम्प्लीमेंट्स यूज होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। चलिए माई इंटरफेस, अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग माई, तो रिफरेंस, आप तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस बना सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया भी था आपको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माई इंटरफेस, रिफरेंस ब्रीवर इक्वल टू न्यू, और माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, अब इसकी हेल्प से जो माई आपका इंटरफेस है, जो रेफरेंस ये हमने क्या बनाया है माई इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल, इनकी इनके हेल्प से हम लोग किसको, डेटा वाले को जो मेथड है उसको कॉल करेंगे, कर लिया डन, और डेटा के अंदर प्राइवेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने कॉल कर रखा है, ठीक है डन। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं, कमांड ओपन किया, देन यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा क्योंकि मेरा फोल्डर डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे भी जावा नाम का फोल्डर है, तो सीडी जावा, देन जावा सी, फाइल का नेम मेरा क्या है माई इंटरफेस, इंटरफेस डॉट जावा है फाइल का नेम, कंपाइल करो, कंपाइल फाइल, नो एरर। अब यहाँ पे मेरा जो क्लास है क्या नेम है, माई क्लास नेम है, तो कंपाइल हो गया, तो रन करो इसको, देखो प्राइवेट मेथड एंड डिफॉल्ट मेथड, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये प्राइवेट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 9 में, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इंटरफेस क्लियर है सबको, इंटरफेस क्या होता है, देखो कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट आप पहले क्या करते हो, इंटरफेस यूजर क्या करता है उसका, आप जो वेबसाइट सर्च करते हो तो क्या होता है, पहले उसका यूआई दिखता है, यूजर इंटरफेस, यूजर यूज करता है, और उसकी चीजें जो है कोडिंग जो है वो आपको प्रोग्रामर ने कर रखा है, आप एज ए यूजर उसको यूज कर पा रहे हो, तो वो इंटरफेस का एग्जाम्पल है, टेम्पलेट्स ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना डन। चलिए कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ये पूछा जाता है कि जावा 9 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से मेथड किया गया था, मेथड का क्या नेम था, तो ये चीजें याद रखिए, जावा 8 में कौन सी मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, क्लियर है पॉइंट। हम जावा 8 के फीचर्स भी डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करो, नोट कर लो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।